सतना जिले के बीरसिंहपुर नगर में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं विद्यालय के गेट पर सुबह लगभग 12 बजे ताला जड़कर आंदोलनरत हो गईं। विद्यालय की छात्राओं का कहना है कि जब तक नए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा तो विद्यालय का ताला न खुलने देंगे न विद्यालय संचालित होने देंगे। छात्राओं ने बताया कि वर्तमान में विद्यालय जिस भवन में लगता है वह पूर्णतः जर्जर हो गया है एवं बैठक व्यवस्था की जगह भी विद्यालय के उक्त भवन में कम पड़ रही है। नए विद्यालय भवन के लिए जमीन आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बावजूद भी नए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। वर्तमान में जिस भवन में विद्यालय संचालित है उक्त भवन के एक कक्ष में लगा सीलिंग फैन भवन जर्जर होने की वजह से गिर गया। हालांकि कक्ष के अध्ययनरत छात्राएं घायल होने से बच गईं। आहत छात्राओं ने विद्यालय भवन के गेट पर ताला जड़कर भवन के बाहर जमीन पर धरना देकर बैठ गई हैं और विद्यालय नहीं खुलने देने की बात कह रही हैं। गिर गया है जिसकी वजह से हम बताने गए सूचना देने तो हमारे स्कूल के टीचर कहते हैं बच गए हो मरे तो नहीं हो। कौन शिक्षक कह रहे थे? अनुराग सर ने बोला है। अनुराग सर ने बोला है सीलिंग फैन गिरा हुआ था। चोट तो नहीं आई किसी को? ताला क्यों बंद कर दिया? ताला इसलिए बंद कर दिया जब तक मैं स्कूल का शिलान्यास ना होगा किसी दिन छत भी गिर सकती है इसलिए हम जब तक ताला ना खोलेंगे आज सबको आना पड़ेगा। विद्यालय ना खुलेगा आज? आज विद्यालय ना खुलेगा किसी तरीके से कोई आएगा ना हो जाएगा हम लोग गेट के सामने बैठे रहेंगे और कहीं ना जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि पांडे है। क्या है कि विद्यालय बहुत पुराना हो गया है इसकी छत जो है पानी खाते खाते इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि इसमें लगे हुए पंखे अपने आप गिर रहे हैं जिससे बच्चों को चोट लगने की संभावना बनी रहती है और ये घटना कल ही घटी जिसके कारण बच्चों ने आक्रोशित होकर बोला कि अब हम अपने नए स्कूल में पढ़ेंगे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है और इसके लिए उन्होंने इस विद्यालय के गेट में ताला लगा दिया है और हम चाबी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं किस बच्चे के पास है विद्यालय खुले क्योंकि अंदर दो यह विद्यालय दो पालियों में चलता है और अंदर एक पाली के विद्यालय अभी बैठे हुए हैं ये कक्षा 12 के बच्चे हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ और जल्दी ही ताला खुलवाता हूँ। इधर भी बच्चे बैठे पढ़ रहे थे अभी तक उनको भी बाहर निकालना है घर जाना है।